सुप्रीम कोर्ट के आज के ताजा फैसले के बाद तमिलनाडु की राजनीति ने नई करवट ले ली है। आज से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री की दावेदार शशिकला को दोषी ठहराया है और उन्हें 4 साल की सजा सुनाई है। ऐसे में मौजूदा समय में उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया है। उधर बगावती तेवर अख्तियार कर चुके पनीर सेल्वम के लिए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ होता जा रहा है। मैं अभी यहाँ कार्यवाहक मुख्यमंत्री को पनीर सेल्वम के आवास पर हूँ, जहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ जुटी हुई है। आज जब सुप्रीम कोर्ट का सुबह फैसला आया, तब से लगातार पनीर सेल्वम के समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनके आवास पर उत्सव सा माहौल है। आपको बता दें, 1991 से 1996 के बीच जयललिता के मुख्यमंत्री रहते समय आज से अधिक 66 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने के मामले में सितंबर 2014 में बेंगलोर की स्पेशल कोर्ट ने जयललिता, शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को 4 साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इस मामले में शशिकला को उकसाने और साजिश रचने का दोषी करार दिया था। बाद में मई 2015 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता और शशिकला समेत सभी को बरी कर दिया था। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने की सुनवाई के बाद पिछले साल जून में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। तब कर्नाटक सरकार ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है और बरी करने के फैसले में मैं किया है। कोर्ट को हाईकोर्ट के फैसले को बदलना चाहिए, ताकि ये संदेश जाए कि भ्रष्टाचार अगर करते हैं तो उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब महत्वपूर्ण फैसला पिछले 9 दिन से तमिलनाडु में चल रहा सियासी घमासान भी अब लगता है कि कम होने के आसार